हेलो गाइस, इंडिया बुक के चैप्टर वन के प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। टोटल मैंने 12 चैप्टर प्रिपेयर करने की कोशिश की है, 12 वीडियो प्रिपेयर करने की कोशिश की है। सारे जो अराउंड 29 चैप्टर्स हैं जो हमारे काम के हैं, उनको 12 चैप्टर इसमें वीडियोस के अंदर उनको एडजस्ट करने की शुरुआत है। लेट्स सी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर वन है, वैसे चैप्टर वन जो है इंडिया बुक का वो है लैंड एंड पीपल। इसमें कुछ खास होता नहीं हमारे लिए, हम ऑलरेडी एनसीईआरटी से अपनी हिस्ट्री एंड जो पीपल है और अपना जो जियोग्राफी वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। बट हमें एज ए रिविजन हो जाएगा इसके लिए, फिर मैंने इसको भी ऑलरेडी अंदर इसमें इंक्लूड कर लिया था। कोशिश यही रही है कि जितना हमारे लिए काम का हो वो कंप्लीट किया जाए। बट मैंने ये बहुत थोड़ा स्पीड से बनाए हैं, मेरा टाइम कुछ था नहीं खास मेरे पास तो। और अगर बोलते समय अगर स्पीड में बोलने के कारण कुछ अगर कुछ गलत बोल देता हूँ तो प्लीज़ अपने उसमें कमेंट्स के अंदर आप मेंशन कर देना। और वैसे तो कोशिश यही रहेगी कि ऐसा कोई फालतू का कुछ मिस्टेक ना हो। एंड अगर आपको पसंद आता है, कुछ भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, फॉलो। लेट्स सी, पहले ही उस पर पेज के ऊपर ये कोट था इसमें मार्क ट्वेन का। ये बहुत अच्छा एक नोवल राइटर रहा है यूएसए के अंदर, उसने माइग्रेट किया था वहाँ पे, बहुत बड़ा फ़ैन था इंडिया का और काफ़ी उसने अपने उधर जो ब्लैक राइट्स है उसके ऊपर और जो डिस्क्रिमिनेशन है उधर काफ़ी उसने लिखा था उसके ऊपर, काफ़ी अच्छे नॉवल्स हैं इसके। इसमें ये बोला है कि इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मदर ऑफ हिस्ट्री, ग्रांड मदर ऑफ लीजेंड, ग्रेट ग्रांड मदर ऑफ ट्रेडिशन, और मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट इंस्ट्रक्टिव मेटल इन द हिस्ट्री ऑफ मैन एट ट्रेजर इन इंडिया ओनली। ये कहना ये चाह रहा है कि जो ह्यूमन रेस है उसका क्रेडल मतलब जो बॉन्ड जहाँ पर जो निकली है रियल के अंदर एज ए सिविलाइज पॉपुलेशन वो इंडिया के अंदर ही हुआ है। ह्यूमन स्पीच है जो हमारी जो हम जिस बोलते हैं वो भी बर्थ प्लेस इंडिया के अंदर ही है। हिस्ट्री की जो मदर है जहाँ पे रियल में इतिहास स्टार्ट हुआ था लिखना सोचना पढ़ना वो भी इंडिया ही है। लीजेंड मतलब कि जो इस तरह की स्टोरीज होती हैं वो भी जो उसकी जो दादी माँ है वो भी इंडिया है। ट्रेडिशन की जो ग्रेट ग्रांड मदर है वो भी इंडिया है जो रियल में ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो रियल सिविलाइजेशन थी वो कहती है अकॉर्डिंग टू द मार्क ट्वेन इंडिया ही है। और अगर हमें कुछ सीखना है मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल अगर हिस्ट्री में देखना है तो हमें इंडिया के अलावा कहीं और नहीं देखना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट, कुछ फैक्ट्स थे इसके अंदर। इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री, आपको पता ही है, सेकंड इन पॉपुलेशन है, चाइना इज़ द नंबर वन। ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया अगर आप मैप में देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। ठीक है, और इसके जो ये लैटिट्यूड्स हैं ये आप चेक कर लो, यहाँ पे 8.4 एंड 37 पॉइंट ये मिनट एंड सिक्स जो भी होता है पॉइंट, ये 37 डिग्री एंड सिक्स मिनट नॉर्थ में हो गया और लॉन्गिट्यूड के अंदर आ जाएंगे ये। एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखना कि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 29 आता है और इनका भी डिफरेंस निकालेंगे 29 आता है। ठीक है, तो ये सिमिलर है। तो ये 8.8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। कैसे याद रखेंगे थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 29 जरूर याद रखना। और ये याद रखना कि जो इंडिया की जो मेजरमेंट है, अगर हम इसे इंडिया का मैप बनाएंगे तो इसे इस तरह का स्क्वायर टाइप निकल के आता है। तो नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस होगी वो है 3214 और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो है 2933। तो जो नॉर्थ टू साउथ है वो ज़्यादा है, ये याद रखना। नॉर्थ टू साउथ हम ज़्यादा इंडिया जो है वो ज़्यादा लंबा है। हमारी जो टोटल बाउंड्री है जो इंडिया की लैंड फ्रंटियर है वो 15200 किलोमीटर का है और जो हमारी जो कोस्ट लाइन है वो है मेनलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान तीनों को मिला के 7516 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया अपना। कुछ ये फालतू के टिडबिट्स हैं जो उसमें इंडिया बुक में थे नहीं, कहीं से मुझे याद थे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। प्लीज़ अपने आप ये अपने अपना जो भी नॉलेज है नोट्स उनसे रीचेक कर लेना। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है किस कंट्री से शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ में। कौन कौन स्टेट के पास में इंटरनेशनल बाउंड्री है नहीं इंडिया में, हरियाणा, MP, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मैप में देखेंगे तो एकदम ये बीच में है, पूरे चारों तरफ से ही वो है लैंडलॉक्ड हैं बाकी स्टेट से। यूटी के अंदर अगर उत्तराखंड, सॉरी यूनियन टेरिटरी में अगर हम ये देखेंगे तो चंडीगढ़ और दिल्ली ही एक ऐसे वो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बाकी जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं वो या तो सी के मिलती है, कोस्ट लाइन है उनके पास में, या वो किसी उससे वो टच कर रहे होते हैं। कोस्ट लाइन में आप देखेंगे तो गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो की जो डिस्टे वो है सॉरी मेजरमेंट है वो गुजरात की सबसे ज़्यादा है और AP उसके बाद में आता है, आंध्र प्रदेश, सॉरी AP इज आंध्र प्रदेश हियर। ठीक है, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है, टोटल 8 हैं। गुजरात, ये छोटे बड़े लिखा है मैंने, आपको पता होंगे ऑलरेडी, इसमें आई थिंक कुछ होना नहीं चाहिए। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, टोटल 8 हैं ये। ये आप सबको ऑलरेडी पूछ भी रखा है UPSC ने पहले भी। कोस्टल लाइन का याद रख लेना, UT और चंडीगढ़ याद रखना। ऐसे मैप बनाए हुए आप थोड़ा सा तो आपको पता होगा, अंडमान निकोबार इधर आ गया, ये लक्षद्वीप आ गया, दोनों क्या सी के अंदर बैठे हुए हैं। फिर अपनी जो पुदुचेरी है वो ये यनम माही जितने भी सारे इसके वो हैं ये सब कुछ वो सी के ऊपर में हो रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर दादर नगर हवेली आगे भी सी करती है। फिर दमन दीप जो है ये भी सी के वाले टच हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 1, 2 और 3, 4 हो गए। ऊपर ये अपना क्या आ गया, चंडीगढ़ आ गया और ये आ गया दिल्ली आ गया, एक क्या रह गया,
अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पूरे हो गए, ठीक है। अब आता है टाइम मेरिडियन की वैल्यू। बार बार सवाल आ रहा था इसमें, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आर्टिकल था एक, उसमें ऑप एड के अंदर, और बार बार लास्ट ईयर भी आई थिंक न्यूज़ में था कि आसाम का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो बोल रहा था कि मैं अपना टाइम लाइन आगे बढ़ा दूंगा, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है। तो इसको आईएसटी को बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कैलकुलेट किस बेसिस पे होता है? इस बेसिस पे किया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है ये, है कहाँ पे? हम बार बार कहता हूँ पढ़ने को मिलता है कि इलाहाबाद है, बट रियल जो उसकी जो जो जगह है उसका नाम है शंकरगढ़ फोर्ट मिर्ज़ापुर के अंदर। ये इलाहाबाद उसमें कि मैं नहीं है, ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है और ये यूपी में है, ठीक है। इसका जो ये है एग्जैक्ट लोकेशन, ये हम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 82.3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर मिल गया टाइम रिटर्न वैल्यू, और जो उसकी जो ऑफसेट होगा वो 5 ये 5.5 घंटे ऑफसेट है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन वैल्यू है जो इंग्लैंड के पास में है, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 5.5 घंटे पहले जो ग्रीनविच मेरिडियन का जो टाइम है, उससे 5.5 घंटे पहले हमारे यहाँ पे सूर्य का उदय हो जाता है, दैट मीन्स सनराइज हो जाता है। आसाम के अंदर एक डिफरेंट टाइम चलता है, टी गार्डन टाइम। जो टी गार्डन के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट टाइम जोन फॉलो करते हैं। उनका चाय बगान टाइम होता है, वो सुबह उठ के जो उन्हें काम करना होता है, वो जो चाय की पत्तियाँ तोड़नी होती हैं, तो उसके लिए वो एक डिफरेंट टाइम करते हैं। वो 1 घंटे आगे होता है हमारे वाले टाइम से, उसको चाय बगान टाइम बोलते हैं, ठीक है। और टाइम मेरिडियन जो स्टेट्स हैं उनके नाम है ये किस किस से पास होती है, ऊपर से अगर आप ऊपर चलते हुए आएंगे, अगर अपने मैप बनाएंगे ऐसे इंडिया का, ठीक है, तो ये ऊपर से ऐसे आता ही है, ठीक है। तो उसमें पहला है यूपी, ऑलरेडी पता ही आपको, जो मिर्ज़ापुर है वो यूपी के अंदर है। फिर एमपी आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर एपी आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। तो ऊपर से आएंगे ऐसे उत्तर प्रदेश आ गया, फिर मध्य प्रदेश आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर उड़ीसा आ गया, फिर आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है, ये बाकी किताब मिलता नहीं है। हाँ, फिर कुछ पुराने कुछ ये हैं यूपीएससी के फेवरेट, जो बाउंड्री की जो सवाल पूछता है, मैक्सिमम जो स्टेट हैं वो जो जो स्टेटों की बाउंड्री किस स्टेट से लगती है, वो ये अपना ये उत्तर प्रदेश है, आसाम सेकंड है, उसमें 7 स्टेट की बाउंड्री लगती है, ठीक है। अब मैप में चेक कर सकते हैं इनको। फिर 24th पैरेलल है, ये चेक करना आप कहाँ पे है ये, ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको इसका, ठीक है। ये सोचो थोड़ा सा, चलो बता देता हूँ। जैसे राजस्थान ऐसे आया, फिर ये गुजरात ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्रीक का पंगा चलता रहता है हमारे पाकिस्तान के साथ में, यहाँ पाकिस्तान है, तो जो 24th पैरेलल है वो सर क्रीक के थ्रू पास होती है, ठीक है। फिर आ गया निमोनिक फॉर 13 कंट्रीज फ्रॉम दी विच इक्वेटर पासेज। ये छोटा सा निमोनिक है जो बार बार ये कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं, आपको सुना होगा, किम सक्स गिबॉन्स ब्रेस। तो जो इक्वेटर है, जो हमारी 0 डिग्री जो हमारी जो है ये है जो इक्वेटर है उसकी, वो एकदम सेंटर, जो अर्थ का एकदम सेंटर में से ऐसे निकलती है बीच में से, वो कौन कौन से कंट्री से पास होती है, ठीक है। टोटल 13 कंट्री हैं, अगर हम उसको याद करना स्टार्ट करें तो हमें इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आते हैं साउथ ईस्ट एशिया पहले, तो यहाँ पे आ गया किम, ये लिखा भी है किम इज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। सक्स आ गए, सक्स गेबॉन आ जाएगा अफ्रीका से, तो ये बीच में आ जाएंगे अफ्रीका वाले। एंड ब्रेस आ जाएगा साउथ अमेरिका वाला। तो किम हम अगर देते हैं तो किरीबाती स्टेट है वहाँ पे, इंडोनेशिया स्टेट है एंड मालदीव का स्टेट है। तो ये किम आ गया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, एकदम इस लोकेशन के अंदर। अगर इंडिया ऐसे है और अफ्रीका यहाँ पे एकदम ऐसे बना हुआ होगा, तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री इधर आते हैं और ये इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ये जो ये किरीबाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव, ये सॉरी मालदीव यहाँ पे आ गया, तो ये 3 ऐसे पास होता है वो। फिर अफ्रीका के अंदर चले जाएंगे तो फिर सोमालिया, युगांडा, फिर रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो 2 हैं इसके अंदर, याद रखना, रिपब्लिक वाला भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, तो 2 डिफरेंट है, ठीक है। फिर केन्या आ जाएगा, फिर एस में साउथ टोमेन प्रिंसिपल आता है, फिर गबॉन आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये सक्स है इसका, SUCKS एंड गबॉन। और ब्रेस आ गया, फिर ब्रेस में क्या था, ब्रेस फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो ये यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है। साउथ अफ्रीका क्या आएगा, ब्रेस आएगा निकलती हुई आएगी, तो ये पहले ब्राज़ील आएगा, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर निकल के चला जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो यूपीएससी पूछेगी नहीं पूछेगी, बट पहले तो पूछती थी ऐसे सवाल। ये एक और निमोनिक मेरे पास पढ़ा था, मैंने यहाँ पे डाल दिया, गंगा की जितनी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम बता दो। अब गंगा ऊपर से ऐसे आती है, फिर ऐसे आकर निकल के और फिर जाके यहाँ पे ऐसे चली जाती है, तो ये तो उत्तराखंड वाला पार्ट हो गया, ये यूपी वाला पार्ट हो गया, ये बिहार, और फिर ये वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो जाती है ये, ठीक है। अब इसके अब ये लेकिन यूज़ हमें जो इसको निमोनिक को यूज़ कैसे करना, वो ये है कि राइट बैंक टेरिटरी कौन सी है और लेफ्ट बैंक टेरिटरी कौन सी है, ठीक है। इसका निमोनिक ये है, गोरा घाघरा के बैग में पुण्य, समथिंग लाइक दैट, इसको आप पढ़ सकते हो अपने उसमें जब फ्री टाइम होगा। तो गोरा घाघरा के बैग में जो आएगा वो आएगा लेफ्ट बैंक के अंदर, ठीक है। तो अगर आप सी के ऊपर से आ रहे हो तो ये लेफ्ट बैंक है और ये राइट बैंक है, मतलब ऐसे चलते हुए जाएगी रिवर, तो उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि शुरुआत में आई गोमती, फिर ऐसे अगर ऐसे ऊपर से आ रही है तो गोमती आएगी, रामगंगा, घाघरा, कोशी, बागमती, फिर उसमें आएगी गंडक एंड महानंदा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गई, यहाँ तक। फिर आ गई इसमें पुण्यसोता, ये राइट बैंक टेरिटरी है, इसमें आएंगी पुनपुन, फिर यमुना, फिर यहाँ लास्ट में सोन एंड तमसा, ठीक है।
चलो अब आगे फिजिकल फीचर्स। तो अब ये जो पार्ट है अब आ गया रियल में, उसमें इंडियन बुक के अंदर दिया हुआ था। हिमालयस के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, सही बता देता हूँ। बिकॉज आपने एनसीईआरटी से ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, इसमें कुछ था नहीं जो एक्स्ट्रा था, बिकॉज कन्फ्यूजिंग ही हो रहा था। अगर आपको सिंपल एक मैं यहाँ पर अगर रिवाइज करवाना चाहूँ तो रिवाइज ज़रूर करवा सकता हूँ छोटा सा, ऐसे कि मान लो ऐसे ये अपना स्क्वायर टाइप अगर बनाएं, थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जे एंड के हो गया राइट, ये नीचे आ जाके अपना क्या हिमाचल प्रदेश आ गया। तो ये यहाँ से क्या है, ये काराकोरम है ठीक है, आपको माउंटेन्स बता रहा हूँ मैं। फिर आ गया नेक्स्ट वाला अपना लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर ये ग्रेटर हिमालय आ गया, फिर लेसर हिमालय आ गया हल्का हल्का टूटा हुआ से, और ये लास्ट में आ गया शिवालिक ठीक है। तो ये काराकोरम है, लद्दाख है, जांस्कर है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय में यहाँ पीर पंजाल धौलाधार ऐसे आते हैं लाइन से, और ये आ गया अपना शिवालिक ठीक है। अब ये उसमें पासे से कुछ वो मेंशन कर रखा था, और कई सालों से पासे पूछे नहीं है किसी ने, तो अगर उसमें क्या पता अगर उसने किताब उठा ली तो जरूर पूछेगा वो। इसने पहले इधर से देख लेते हैं, यहाँ से खारदुंगला है वो लद्दाख के अंदर है, दैट मीन्स कि जो लद्दाख रेंज के अंदर खारदुंगला पास मिलता है आपको। फिर आगे आपको ये फोटुला देखते हैं, फोटुला जांस्कर रेंज है, जांस्कर के अंदर ये इधर फोटुला आ गया ठीक है। फिर आगे अपना ये जोजिला, जोजिला वो ग्रेटर हिमालय में, ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को इधर लेह लद्दाख वाली जो वैलीज़ हैं उनके ठीक है, जोजिला इधर। एंड फिर जो ये पार्ट है ये आ गया आपका ये लेसर हिमालय वाला चल रहा है यहाँ पे, पीर पंजाल एंड धौलाधार ये ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा और नीचे चली जाएगी, पीर पंजाल थोड़ी ऊपर है, यहाँ पे क्या है जम्मू वैली है। इनको जोड़ने वाला जो पार्ट है वो क्या है, बनिहाल है ठीक है, ये बनिहाल यहाँ पे है। और फिर ये बातें बताता हूँ पहले, फिर इधर आ गया ये यहाँ पे जो लेह लद्दाख वैली है ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा इधर रह जाएगा ये हल्का सा, ये जांस्कर आती है ऊपर से ऐसे। तो अगर हिमाचल का अगर स्क्वायर से बनाए हम तो नीचे यहाँ पे कुल्लू वैली है ठीक है, ऊपर क्या है लाहौल स्पीति वैली, और यहाँ पे लद्दाख वाला पार्ट आ गया। तो ये जो कुल्लू वैली को और जो लाहौल स्पीति वैली को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं रोहतांग पास, ये वाला ठीक है, कुल्लू टू द लाहौल स्पीति वैली। और जो लाहौल स्पीति वैली को इस लेह से जोड़ता है उसको बोलते हैं बरा लछला ठीक है। पीर पंजाल हिमाचल के अंदर से क्रॉस करेगा और लेटू उसमें चला जाएगा ठीक है। तो ये बात है, पहले रोहतांग आएगा, फिर बरा लछला, फिर लेह वाला आ गया ठीक है। और इसके बाद में अगर हम ऊपर देखें तो ये तो मैप ऐसे हो गया। फिर अगर हम ये बनाएं उत्तराखंड बनाएं ऐसे, एंड ये आ गया आपका नेपाल इधर ठीक है। फिर आ गया सिक्किम आपका यहाँ पे, ये सिक्किम ऐसे आ गया, और ये भूटान ऐसे निकल जाता है राइट, अगर आप मैप में देखना स्टार्ट करेंगे तो। फिर आपको याद रखना ये माना पास, नीति पास एंड लिपु लेक पास, ये आपको पता होगा लिपु लेक पास है जहाँ से अभी मानसरोवर यात्रा जाती है ठीक है, ये तीनों पास इसमें आ गए। एंड फिर अगर यहाँ पे अगर पता है, मैंने आपको मैप में दिखाया था कि हिमाचल है इधर, हिमाचल में इस पार्ट के अंदर हमारी सतलुज निकल के आती है, तो उस पास को बोलते हैं शिपकिला ठीक है। तो यहाँ से चलते हुए आए तो शिपकिला, माना, नीति, लिपु लेक, फिर नेपाल आ गया, ये नेपाल, ये भूटान है इधर। तो ये क्या है ऊपर, सिक्किम है, सिक्किम के इस पार्ट के अंदर यहाँ पर चुंबी वैली है, इसके पास में ये निकलते हैं क्या बोलते हैं इनको दोनों को, ये रहे जिलेपला एंड नाथुला ठीक है। ये मेन इंडो तिब्बत ट्रेड रूट है, यहाँ से ट्रेडिंग होती है थ्रू द चुंबी वैली। अभी क्या कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानसरोवर यात्रा को इस नाथुला से भी चलाना स्टार्ट कर दिया है, मानसरोवर समवेयर यहाँ पे है ठीक है। तो ये क्या करता था कि यहाँ पे क्या कि वो नहीं है अपनी रोड अच्छी नहीं है, तो यहाँ बहुत टाइम लगता है जाने में लोगों को, ये क्या एकदम पक्की रोड था, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं चले जाते हैं ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर भी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ बचा, बरा लछला, नेथुला, जिलेपला, सिक्किम में आ गए हाँ। फिर अगर ये इधर भूटान आ गया तो भूटान के जस्ट इस साइड के अंदर फिर क्या होंगे, ये होंगे इधर एक सेकेंड, इसमें अगर हम ये बनाए ऐसे भूटान यहाँ पे है ठीक है, तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश बनाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश यूँ निकल के आता है ठीक है। अब आ गया ये, तो इसमें अरुणाचल का ये वाला जो पार्ट है ये तवांग है ठीक है। इस तवांग के अंदर जो वो ये जो पास है वो है बमला ठीक है, ये वाला पास नीचे दिया है। फिर यहाँ पे एक तुलुंगला पास आएगा, और एक यहाँ पास आएगा दिफू पास ठीक है। तो बमला, तुलुंगला एंड दिफू पास, ये अरुणाचल में ऐसे आप थोड़ा सा मैप देखेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा फिर हाँ पेनिनसुला के अंदर पास आ गए ठीक है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा आगे मेरे मैप के अंदर दिखाने के लिए। ये रहा, इसके अंदर हम ऐसे बनाएं तो इधर से यहाँ पे वो चलना स्टार्ट होता है अपना, ये है अपना वैष्ण घाट ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट यहाँ चलता है ऐसे ठीक है, यहाँ मिलते हैं ये। तो जो वैष्ण घाट है उसे पहला जो पास आता है उसको बोलते हैं हम लोग थाल घाट, दूसरा आएगा भोर घाट ठीक है, फिर आएगा पाल घाट, एंड देन आता है शंकुटई ठीक है। यहाँ पे तो जो थाल घाट है वो मुंबई को जोड़ता है नासिक से ठीक है, और जो भोर घाट है वो मुंबई जोड़ता है पुणे से। तो ये पुणे इधर है, ये नासिक इधर है, ये नासिक के बाद जो रिवर्स हैं इस पास में वहाँ पे वो त्र्यंबकेश्वर है पास में, और त्र्यंबकेश्वर से क्या निकलती है, गोदावरी रिवर निकलती है ऐसे
ठीक है। और ये जो पुणे आ गए, पुणे आ गए महाबलेश्वर, महाबलेश्वर क्या निकलती है, कृष्णा, ये यूँ निकल जाती है। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब थर्ड आ गया अपना पालघाट। पालघाट वो पास है जहाँ से मानसून केरला को क्रॉस करके इस साइड में आता है, ठीक है, शनकोटा ही नीचे जाके कहीं इसी वेस्टर्न घाट के जो बाकी जो एक्सटेंशन है कार्डमम है शायद उसमें से निकलता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, प्लीज़ को चेक कर लेना। तो ऊपर से क्या है, टी बी पी एन एस, थालघाट, भोरघाट, पालघाट एंड ये अपना शनकोटा ही हो गया। इधर एक पास और मिलता है हमको, उसको बोलते हैं हम लोग गोरान घाट, ठीक है। और तो जो गोरान घाट होता है ये अपना वो है, इसमें उदयपुर को जोड़ता है ऊपर वाले उससे, क्या बोलते हैं इसको, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, सिरोही इधर पड़ता है गुजरात हो गया। ये यहाँ पे गिर वो हैं, हिल्स हैं, ठीक है। और फिर अगर हम उसको बनाएं, क्या बोलते हैं इसमें, बाकी अगर पासेस देखें तो ऐसे यहाँ पे ये विंध्याचल है यहाँ पे ऐसे, फिर ये सतपुड़ा है, इसके अंदर से नर्मदा निकल के आती है ऐसे, सतपुड़ा के जस्ट नीचे क्या है, ताप्ती है ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पता चल गया होगा, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा एंड ताप्ती। उसके नीचे में रिवो हिल्स देखेंगे तो आगे सतमला, ठीक है, फिर आगे अजंता, फिर आगे महादेव एंड देन आगे फिर इधर माईकाला, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, बाकी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट किस किस लोकेशन के ऊपर है, सतमाला, अजंता, महादेव एंड माईकाला। एक यहाँ पे आएंगे तो कमूर हिल आ जाती है ऊपर, ठीक है, ये हो गया। और नीचे आएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नलामलाई हिल है, ठीक है, फिर यहाँ पे पैलीकोंडा, वैलीकोंडा है, और कुछ है नहीं खास इसमें बताने के लिए। फिर यहाँ पे आपको पता ही है तो कोंकण वो पोस्ट है, ये मलाबार कोस्ट है, इधर नॉर्दर्न सरकार है, ये उधर अपना कोरोमंडल आ गया, ठीक है, पासेज मैंने बताई दिए हैं इधर इसमें। हाँ, फिर इंडिया के अंदर हमें ये याद रखना कि जो राजस्थान में जो डेजर्ट रीजन है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, ग्रेटर डेजर्ट एंड लेजर्ट के अंदर। ये इसलिए मैंने यहाँ मैं इसको यूज़ किया है बिकॉज इंडिया बुक के अंदर ही ये आपको मिलता है, ये बाकी कहीं मिलता नहीं है आपको। तो इसका मैंने पता लगाने की कोशिश किया, एनसीईआरटी के अंदर है नहीं ये चीज़, ठीक है। तो अगर थोड़ा आप ढूंढते रहोगे तो उसको, आई मीन मैंने पूरा नेट पे ढूंढने की कोशिश की, मैप भी देखने की कोशिश कर रहा था बट मिला नहीं मुझको, ठीक है। तो फिर मैंने इसको देखा और यहाँ पे मैंने लिख लिया है इसको। तो इसमें अगर हम मैप बनाएं राजस्थान का, तो जो ये कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान का मैप थोड़ा स्क्वायर से आएगा, तो ये जो पार्ट है इस साइड वाला ये ग्रेटर डेजर्ट है, और थोड़ा यहाँ वाला जो पार्ट है वो लेसर डेजर्ट है, उसके बीच के अंदर थोड़ा सा ये किधर गया, एक ये एब्सोल्यूट स्टेराइल कंट्री यहाँ पर रन करती है, ठीक है। तो ग्रेट डेजर्ट एक्सटेंड कहाँ से करता है, एज ऑफ द, यहाँ पे गुजरात ये ऐसे है, ये एज ऑफ द यहाँ पे वो अपना रन ऑफ कच्छ आ गया, तो इसकी एज से रन करता है ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा लूनी रिवर के साथ साथ, और जो होल राजस्थान और सिंध जो फ्रंटियर है वो इसी से रन करता है। और जो लिटिल डेजर्ट है वो एक्सटेंड करता है लूनी बिटवीन जैसलमेर जोधपुर अप टू द नॉर्दर्न वेस्ट, तो ये यहाँ पे जैसलमेर जोधपुर के बीच में हो गया ये लेसर डेजर्ट, उसके बीच वाला पार्ट क्या है, लाइमस्टोन रिज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब आ गया अपना ये नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम देखेंगे गारो खासी जयंती है यहाँ पे, एक सेकंड ये रहा, अगर हम इसको मैप में यहाँ बनाएं तो ये पहले गारो आएगा, फिर खासी आएगा, फिर जयंती आएगा। तो गारो रिवर के इसमें आ जो है नोकरेक पीक है, ठीक है, खासी के अंदर सारा जो बारिश वाला काम अपना मौसिनराम हो गया, चेरापूंजी हो गया, ठीक है, शिलोंग भी यहीं है, और फिर ये अपना आ गया जयंती है। जयंती के अंदर ये जो लॉन्गेस्ट नेचुरल केव है और हाईएस्ट पीक है, किसकी पीक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो नोकरेक आ गया, इसमें नोकरेक वो अपना पार्क भी है और वो भी है हाईएस्ट, वो सॉरी पीक है और वो पार्क भी है, और मौसिनराम, चेरापूंजी अपने बारिश वाले मैक्सिमम रेन वाले, शिलोंग है ये कैपिटल है मेघालय की। फिर जो ये जयंतिया में लॉन्गेस्ट नेचुरल केव मिलती है इंडिया की, उसका नाम है क्रैम ले थरा, ठीक है, अगर पूछते तो पता होना चाहिए आपको। और मरांग सिक पी है एक है, और ये ईस्टर्न प्लेटू का हाईएस्ट पीक है। अगर आपको प्लेटू को पता होगा, हमारा जो पेनिनसुला प्लेटू है वो ईस्टर्न का एक्सटेंशन है, वो मेघालय में जाता है, आपको पता होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक्सटेंड जो ईस्टर्न एक्सटेंशन जा रहा है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ मिलती है जयंतिया के अंदर, ठीक है। और ये अरुणाचल की वो उसमें वो है हिल्स के नाम आगे बताता हूँ आपको। इसमें देखो यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यह मिलेंगे दाफला, अबोर, ठीक है, मेरियन मिशी में, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, दाफला डी एम से आएगा मेरी, अबोर एंड मिशी में, ठीक है। तो ये उसके ऐसे वो सीक्वेंस से चलती हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगी ये कौन सी, इसका नाम है अपना इधर मिकीर हिल है, यहाँ पे मिकीर जो हिल होती हैं ये अपना जो ये काजीरंगा के एकदम साउथ साउथ के अंदर हैं, ठीक है, ये नागालैंड से चलती हैं। यहाँ पे पटकाई बूम है, ठीक है, ये मणिपुर की हिल हैं, और यहाँ पे एक मिलेंगे लुसाई हिल जो मिजोरम की हिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में इधर मिलेंगे आपको त्रिपुरा की हिल, ठीक
ठीक है, यहाँ से निकलती है वो अपनी बराक रिवर, यूँ जाके और यूँ जाके फिर इसमें जैसे मिल जाती है, ठीक है, इसके अंदर मेघना मेघना में चेंज होती है और बाद में वैसे ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है, ठीक है। तो बराक रिवर यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र जो आएगी ऊपर से आएगी ऐसे चलते चलते, एंड देन यूँ आके फिर ऐसे मिल जाती है उसके अंदर, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, और क्या बचा है अपना, ये बता ही दिया था मैंने आपको। यूजुअली एनसीईआरटी उसमें अपने इंडिया बुक में है नहीं, मैंने ऐसे कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, ये जरूर मेंशन किया गया है उसमें कि जो पेनिनसुला प्लेटू है इसको मार्क्ड ऑफ कर सकते हैं प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस बाय मास ऑफ माउंटेन एंड हिल रेंजेस वेरिंग फ्रॉम, वगैरह वगैरह कुछ खास है नहीं। हाँ, ये याद रखना कि जो पेनिनसुला का जो एक साइड में ईस्टर्न घाट मिलेंगे, मतलब ईस्ट साइड के अंदर, ठीक है, उनका एलिवेशन बहुत कम है। वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो वेस्ट साइड में मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे अगर वेस्ट में प्लेटू के अंदर, तो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। इनकी जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो नीचे साउथ में ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट की हाइट ऊपर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। और ये सकड़े हैं, ये ज़्यादा चौड़ा है, क्या कॉस्ट कॉस्ट जो है ना, ईस्टर्न घाट जो है वो थोड़ा सा दूर है कॉस्ट से, तो उसमें काफ़ी डिस्टेंस आ गया इधर, और ये जो एकदम पास पड़े हैं कॉस्ट के। रीज़न क्या है कि ये सबमर्ज कॉस्ट है, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये क्या इमर्जिंग कॉस्ट है, मतलब ये बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। इसमें और क्या बताया, नैरो बता दिया, यहाँ इसकी जो अपर, इसमें मैंने ये बताना भूल गया पीछे, हाँ यहाँ हम देखेंगे तो ऊपर जो वेस्टर्न घाट आता है वो आ गया ऐसे, और ये इधर से क्या आ गई ईस्टर्न घाट आ गया। जो पार्ट जो मिलता है उसको मिलते हैं नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो नीलगिरी हिल्स के अंदर ये बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेंगे आपको, ठीक है, और नीलगिरी हिल्स की कुछ स्पेशल ट्राइब्स भी हैं, ठीक है। और फिर अपना इसकी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर मिलेगी हमें इधर ये वाली अन्नाई मलाई हिल मिलती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो ऊपर से अगर ऊपर चलते आएंगे नीलगिरी अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई के अंदर अन्नाई मुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, सेकंड जो हाईएस्ट मिलेगी वो नीलगिरी मिलती है, उसका नाम है डोडा बेटा, ठीक है। तो ये तीनों उसमें आ गई, तो ऊपर से क्या आया था एन ए सी, तो अन्नामलाई किसमें बीच वाले में है हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट डोडा बेटा, थोड़ा सा ऊपर वाले में है। सदर्न पॉइंट तो ये बता दिया मैंने आपको, कार्डमम हिल तो हो ही गया है, कुछ खास है नहीं। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर आई है, ब्रह्मपुत्रा में इसमें कुछ देखना नहीं है ऑलरेडी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सब कुछ कवर है। सेंगपो है ये, इसमें अरुणाचल में जो घुसेगी उसका नाम दिहांग हो जाएगा, फिर इसमें दिबांग और लोहित मिल जाती हैं, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज के नाम याद कर लो आप, सुबानसरी है, जिया बरेली है, धनसिरी है, पुथीमारी है, पगला दिया इन मानस है, ठीक है। ये सारे रिवर के नाम टिस्टा भी मिलती है इसके अंदर। बराक रिवर को बता दिया, हेड स्ट्रीम ऑफ ये उसमें मेघना की है, और हिल्स ऑफ मणिपुर में राइज करती है, बहुत सारी इसकी फालतू की वो हैं जो याद रहेंगी नहीं, कहीं मकुत्रांग थुई वगैरह वगैरह, ठीक है। ये याद रखना कि ये गंगा ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है कहाँ पर, भैरा बाजार के पास में। फिर आगे आपका हाँ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, इंडिया के अंदर भी इनलैंड ड्रेनेज बेसिन आपको आपको पता होगा ऑलरेडी, जो इनलैंड ड्रेनेज कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का फेमस है, ठीक है, और वहाँ पे आर्टिशियन वेल वगैरह मिलते रहते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान आर फ्यू एंड फार अपार्ट, मोस्ट ऑफ दम आर ऑफ द एफीमरल कैरेक्टर, ठीक है। राजस्थान में जो बारिश होती नहीं है, जो रिवर्स थोड़ी बहुत जो बारिश होती है वो थोड़े दिन चलती हैं देन गायब हो जाती हैं, तो ठीक है उसी को एफीमरल बोलते हैं ना, जो ज़्यादा दिन टिकता ना हो, ठीक है। कुछ रिवर्स हैं वो सी में ड्रेन नहीं करती, कुछ वो सॉल्ट लेक में ड्रेन करती हैं, ठीक है। उनके नाम क्या क्या, लूनी, माछू, रुपेन, सरस्वती, बनास, गगर, सब राजस्थान के। सांभर लेक एक ऐसी लेक है जिसको, जो ऐसी लेक ऐसे है ऊपर चारों तरफ से रिवर आती हैं उसके अंदर, ठीक है। उसका कोई आउटलेट नहीं है, मतलब कि उस लेक से पानी कहीं और नहीं जाता, सारी रिवर्स इधर ही आ रही होती हैं। उनका नाम है मेंधा, रूपनगढ़, रुनपनगढ़ एंड खंदेलंद करियान, एंड वो ये जो लेक है वो एंड्रोरिक लेक है। इसका मतलब ये होता है इट हैज़ नो आउटलेट बिसाइड इवेपोरेशन, इसका मतलब इस लेक से पानी कहीं बाहर जाता ही नहीं है, केवल इवेपोरेट होता है, मतलब सूर्य की जो हीट होगी उससे वेपराइज होता रहता है। इंडिया के अंदर जो आईएमडी डिपार्टमेंट है अपना, उसने इसको डेजिनेट उसको चार ऑफिशियल सीजन्स के अंदर वो किया है, डिवाइड करके रखा है, ठीक है। विंटर है पहला, फिर समर है, विंटर कब से कब आती है, दिसंबर से अर्ली अप्रैल, कुछ देखना नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। और समर जो आती है वो प्री मानसून सीजन होता है, अगस्त अप्रैल टू जून में आता है, ठीक है। हॉटेस्ट मंथ इंडिया में अप्रैल रहा है, कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर एंड जनवरी में रहता है, ठीक है। और मानसून पता ही आपको जून सितंबर में आएगा, पोस्ट मानसून पीरियड होता है अक्टूबर दिसंबर, इसमें यूजुअली वो क्लाउडलेस रहता है, और उसको अक्टूबर हीट का सवाल आपको पता ही एनसीईआरटी में कहीं मिल जाएगा आपको। हिमालयन स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि टेम्परेट हैं ये लोग, तो इसमें क्या है कि दो एक्स्ट्रा स्टेट मिलेंगे आपको, ये सीजन मिलेंगे आपको, कौन से, ऑटम एंड स्प्रिंग। बाकी पूरे कंट्री के अंदर केवल चार हैं, लेकिन हिमाचल, ये हिमालयन स्टेट हैं जहाँ पे हिमालय ये हैं, जैसे जे एंड के, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके अंदर दो सीजन और मिलते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग। एक एमसीक्यू टाइप बन सकता है यहाँ पे। इंडियन जो हम टिपिकली जो हमारे जो कल्चर के हिसाब से अगर हम जो वो नोट करें, तो आईएमडी ने तो चार बताए, लेकिन हम इंडियन क्या करते हैं, कल्चरली हमारे छः सीजन रहते हैं। अगर आपने अगर अपना पंचांग देखा होगा तो हमें छः सीजन मिलेंगे, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, अशरदा, हेमंत एंड शिशिरा, ठीक है, जो उसमें ऑलरेडी
जो हिमाचल स्टेट के लिए बता रखा था उसमें, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, अपने मानसून बता दिया, दो सीजनल विंड आती हैं। पहला तो आता है साउथ वेस्ट, वेस्ट जो बारिश मानसून लेके आता है, नॉर्थ ईस्ट होता है जो रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है उसको विंटर मानसून बोलते हैं। ये लैंड टू सी जाएगा अगर इंडिया अगर ऐसे है तो, पहले मानसून यूँ गया, ठीक है, फिर लौटते हुए आएगा तो यूँ निकल के आएगा और यहाँ पर जो कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु वाला वहाँ बारिश करवाता है, ठीक है। ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन, ठीक है। ये हो गया, कुछ खास है नहीं इसमें, ऑलरेडी पता ही होगा आपको। हाँ छोटा सा एक ये कुछ ऐसे ही ट्रिविया है, जीके टाइप है, कुछ इसमें पूछने का सवाल तो है नहीं। इंडिया इज़ द फ्लोरा, मतलब कि जो अपने ये वाले जितने पेड़ पौधे हैं, ठीक है, घास फूस हो गया, इसमें इंडिया 10th पोजिशन में है वर्ल्ड में, ठीक है, डाइवर्सिटी के अंदर स्पेशली, और 4th है एशिया के अंदर। तो 10th प्लेस इन द वर्ल्ड हमारी, जो मतलब कि जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी के अंदर जो रैंकिंग बनाई गई है, इंडिया 10th नंबर पे आता है। और इंडिया ने क्या किया कि अपने आप को 8 डिस्टिंक्ट फ्लोरेशन रीजन में डिवाइड कर लिया है, कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये देखना है कि जो हर बार आपने सवाल देखा होगा यूपीएससी के उसमें प्रीलिम्स के अंदर, कि वो एक सवाल पूछते हैं कि इस एरिया के अंदर ये पेड़ जो मिला है कौन सा एरिया मिलता है, पहली बात तो, या पूछेंगे इस ये जो एरिया है इसमें कौन से पेड़ मिलते हैं, ठीक है। तो वो यूजली जो उन्होंने उठाया वो इंडिया रिबक्स उठाया हमेशा, ठीक है। तो उसमें हम पहले देखेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन, वैसे होता क्या है, कश्मीर टू कुमाऊं, कुमाऊं मीन्स कि जो उत्तराखंड का ये वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट ये है वहां पे, ये गढ़वाल और ये कुमाऊं, ठीक है। तो कुमाऊं का ये वाला पार्ट हो गया, यहां तो जितना भी पार्ट है उसको वैष्णो हिमालय बोलते हैं। इसमें है क्या क्या, ये टेम्परेट जोन है, रिच इन द फॉरेस्ट ऑफ चीर पाइन कॉनिफर्स एंड ब्रॉड लीव टेम्परेट ट्रीज मिलते हैं। अगर ऐसे नाम अगर आप कहीं पर आते हैं तो आपको समझ जाना कि ये ऊपर वैष्णो हिमालय के वो हैं, चीर पाइन अदर कॉनिफर्स ब्रॉड लीव हो गया, थोड़ा ये थोड़ा टेम्परेट जोन हो गया। पहाड़ अगर ऐसे होता है तो ये यहाँ वाले पार्ट में हो गए, ठीक है। फिर और ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे देवदार मिलेगा, ब्लू पाइन मिलेगा, एंड स्प्रूज एंड सिल्वर फी मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्पाइन जोन होता है वो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें वो बता दिया मैंने, सिल्वर फिर सिल्वर बर्ड जूनिपर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखना, एल्पाइन वाले में क्या मिलेंगे ये, और नीचे वाले टेम्परेट मिले मिलेंगे ये, चीर पाइन कॉनिफर ब्रॉड लीव, एंड एल्पाइन के अंदर सिल्वर फिर सिल्वर बर्ड ब्लू पाइन वगैरह हो गया। अब ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय क्या है, सिक्किम से चलना स्टार्ट किया हमने, फिर अपना दार्जिलिंग वाली पार्ट भी आ गया, और फिर ऊपर चले गए उधर अरुणाचल की तरफ। तो यहाँ क्या मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं ये ओक्स, लॉरल्स, मैपल्स, रोडेंड्रॉन्स, एल्डर बर्च, ड्वार्फ विल्लो, विल्लो जो क्रिकेट के बैट बनाने में काम आता है, कॉनिफर, जो कॉनिफर जो छोड़ देना आप इसको, ठीक है, बनाएगा तो वो सवाल यहीं से बनाएगा, विलोज से बनाएगा, रोडोडेंड्रॉन से बनाएगा, एल्डर से बनाएगा, बर्च, ठीक है, लॉरल मैपल वगैरह से बना लेगा। फिर आसाम आ गया, आसाम में क्या होते हैं, आपको पता है ब्रह्मपुत्र की वैली है, सुरमा की वैली है, तो वहाँ मिलते क्या क्या हैं, जब इतनी वैली है इतनी बारिश होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, साथ साथ में बैम्बू एंड टाल ग्रास भी मिलती हैं। अगर ऐसा सवाल आता है कि ये कौन से एरिया मिल रहे हैं एवरग्रीन टॉल ग्रासेज एंड द बैम्बूज, बिकॉज टॉल ग्रासेज वाला एरिया क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अपना राइनोसेरस इन्हीं में फंक्शन करता है, घूमता है। इंडस वैली का पता ही आपको, पंजाब वाला पार्ट, राजस्थान वाला पार्ट कुछ मिलता नहीं है वहाँ पे, तो ठीक है। गंगा वैली में आएंगे तो यहाँ पे क्या, एलुवियल प्लेन है, सब कुछ उन्होंने काट कूट के कर दिया, अकेले कल्टीवेशन होता है। डेक्कन साउथ में चले गए तो यहाँ पर स्टेप जंगल्स मिलेंगे एंड मिक्स्ड डेसर्ट फॉरेस्ट मिलेंगे, जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। मलाबार जिन थोड़ा सा और नीचे चले गया उसमें, तो यहाँ पे बहुत ही एक्सेसिवली ह्यूमिड बेल्ट होती है, तो वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वो ड्राई वो एवरग्रीन मिल जाएगा, फिर आपको ट्रॉपिकल डेस्टिबस वाला पार्ट भी मिलता है, ठीक है। फिर अंडमान रीजन में हमें याद रखना है कि एवरग्रीन मिलता है वहाँ पे, मैंग्रोव भी मिलेगा, बीच फॉरेस्ट मिलेंगे, डैल्यूवल फॉरेस्ट मिलेगा। अब डैल्यूवल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर डैल्यूवल कहाँ मिलते हैं, अंडमान निकोबार मिलते हैं, बाकी मुझे कहीं दिखा नहीं, उसमें कहीं मेंशन किया नहीं था। डैल्यूवल का मतलब होता है फ्लड, फ्लड मतलब जो वहाँ से जब बारिश होती है या पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे जो सैंड निकल, सॉइल निकल के आती है, उस सॉइल में उगने वाले फॉरेस्ट को डैल्यूवियल फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे अपना इसमें एक मेंशन किया था वर्ड, ये बीएसआई, बीएसआई मींस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, हमारे जो इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, कि जो प्लांट ऑलरेडी डिसअपियर होने की कगार पर हैं, उनकी इन्वेंट्री निकालता है, ठीक है। उसका नाम है रेड डाटा बुक, और कौन सी रेड डाटा बुक निकालती है आपको पता ही होगा, IUCN, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर बीएसआई भी निकालती है, तो फ्लोरा जो होती है घास फूस जो बीएसआई स्टडी करती है। नेक्स्ट फॉनल, फॉनल में जानवर आ गए अपने सारे के सारे। हमें ये याद रखना है कि इंडिया के अंदर दो मेजर रियाल्म्स हैं, पहला है पेलार्कटिक एंड इंडोमलियन, ठीक है। कुछ भी बोल रहे हैं अपने एंस में, इंडिया बुक में यही मेंशन किया गया तो यही लिखना है। थ्री बायोम्स हैं, उस कौन कौन से, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट हैं इसके अंदर। टू रियाल्म्स, थ्री बायोम्स, एंड देन थर्ड चीज आएगी 10 बायोग्राफिक रीजन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, 2 3 10, 2 रियाल्म्स, 3 बायोम्स एंड 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स, ग्रांस हिमालय हिमालयी से, अब नाम देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में हमें यह याद रखना कि इंडिया के पास केवल 2% ऑफ लैंड सरफेस है, और उसमें 7.5% स्पीसीज ऑफ एनिमल रहते हैं। तो इमेजिन कर सकते हो कि कितना हमारे पास में एक्स्ट्रा वो लोड है, या अच्छी बात है जैसा आप समझें, ठीक है।
और नथिंग इज़ मच हियर, हाँ सेंसेस। उसके बाद में इसका जो ये जो अपना जो लैंड था वो ख़त्म हो गया, पीपल आ गए। पीपल के अंदर हमें बताना कि सेंसेस हमारे इंडिया का ये किधर गया, 2000 जो था 15 सेंसेस था, ठीक है। 1872 में पहली बार स्टार्ट किया गया था, 1872 में पहली बार स्टार्ट किया गया था, लेकिन फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसेस हुआ था वो 1881 के अंदर हुआ था, ठीक है। और सेंसस जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, 7th स्केड्यूल की एंट्री नंबर 69, ठीक है। 7th याद रहना बहुत आसान है, 69 7th। और होता क्या है, डेसिजन तो 10 साल में होता रहता है। करवाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर कौन करवाता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। दो फेजेज में हुआ था इस बार, ये हाउस टेस्टिंग की गई थी, बाद में पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग के। पहले उन्होंने घरों देखा, घर कौन कौन से कितने हैं कैसे हैं, उसके बाद में उन्होंने जनता को काउंट करना स्टार्ट कर दिया सेकंड फेज के अंदर, ठीक है। दो फेजेज हो गए इसके अंदर। अब उन्होंने डेट क्या ली थी, मार्च 1, 2011, बाकी छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं था फालतू का है। ये देख लो अभी ट्रेंड क्या क्या मिले थे, पॉपुलेशन कितनी इंडिया की, 1.21 बिलियन, ठीक है। ये मिलियंस में दिखाया है बट हमें ऐसे याद रखने के लिए आसान रहेगा। 1.2 मेल कितने, 623, एंड फीमेल कितने, 587, दोनों मिलियन के अंदर है, डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो पॉपुलेशन जो ये 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी 1901 के अंदर, हम इतने थे 238 मिलियन थे, आज बढ़ के हम 1200 हो गया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो होता है कि ये याद रखना है, हाँ ये MCQ बन सकता है, मैंने स्टार लगाया यहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज रिकॉर्डेड आई ईच डेसिनियल सेंसेस फ्रॉम 1901 हैज़ ग्रोन स्टडीली एक्सेप्ट फॉर ए डिक्रीज ड्यूरिंग द 1911-21। इसका मतलब ये हुआ कि 1901 से लेके आज तक 2011 तक पॉपुलेशन हमेशा बढ़ी है, लेकिन एक पीरियड बीच में ऐसा था कि जहाँ घटी भी थी, वो कौन सा पीरियड था, वो ये था 1911 से 1921, 1911 to 1921, ये पीरियड था, हमें याद रखना है इसको, ठीक है। ये MCQ यहाँ बन सकता है। दूसरा फिर आ गया वही 2.5% हमारे पास में ये है, 7.5% हमारे पास पूरी दुनिया के एनिमल्स हैं, और 16% हमारे पास जनता है, मतलब इंसान है, ठीक है। डेंसिटी देख लो, ये बचपन में जब हम किसमें स्कूल में पढ़ते थे, हमारी बाद में आता था कि डेंसिटी मतलब कि जो घनत्व है, घनत्व मीन्स कि जितना कितना स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बैठे हैं। तो मुझे याद है कि वेस्ट बंगाल उस टाइम पर वो हुआ करता, लेकिन 2011 के अंदर आप देखेंगे तो हाइएस्ट वो कौन है, बिहार है, ये रहा 1106% हर किलोमीटर के अंदर मिलने वाले हैं स्क्वायर किलोमीटर में, और वेस्ट बंगाल में कितने, 1028, देन केरला, ठीक है। ये तो हो गए स्टेट, लेकिन हमें यह देखना है कि यूनियन टेरिटरीज अगर MCQ में होती हैं तो एक डिफरेंट टाइप का सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें दिल्ली में हाईएस्ट डेंसिटी है, चंडीगढ़ में सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी है, पुदुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला, ठीक है। तो ये याद रखना कि पहले NCT में दिल्ली आएगा, चंडीगढ़ आएगा, पुदुचेरी आएगा, दमन दीव, लक्षद्वीप, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला, ठीक है। और अपना है कितना अभी डेंसिटी, वैसे 382 ऑल ओवर इंडिया एवरेज जो निकालेंगे तो, ठीक है। अब आएगा जेंडर कंपोजिशन, मतलब उसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, तो अभी हमारा जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो 943 है, ठीक है, बढ़ा है इस बार। होता कितना, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये रेशियो निकालते हैं, हमेशा हमेशा ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू, ठीक है, कभी भी अच्छा नहीं रहा है। और पहले से जो 972 था, कब था, 1941 में, तब से गिरता ही गया है, आज 943 वापस पहुँचा आई है। रैंकिंग देखनी है, हम रैंकिंग में हम देखते होंगे बार बार कि बार बार उसका हरियाणा का और उनका नाम आता रहता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान देना है, दमन एंड दीव में सबसे कम है, फिर दादरा नगर हवेली आएगी थोड़ी अच्छी, फिर चंडीगढ़ थोड़ा और अच्छा, फिर दिल्ली थोड़ी सी और अच्छी, फिर अंडमान निकोबार आ जाएगा, एंड देन हरियाणा आता है, देन आपका फिर J&K आएगा, फिर से पंजाब वंजाब कुछ होता होगा। हाइएस्ट किस में है, कश्मीर में, अपने केरला में, फिर पुदुचेरी, फिर तमिलनाडु। तो साउथ के जो स्टेट हैं तीनों यूनियन टेरेटरी मिला के, फर्स्ट केरला, देन पुदुचेरी, देन तमिलनाडु, और सबसे कम वाले कौन कौन से हैं स्टेट में देखें तो पहले हरियाणा, फिर उसका थोड़ा सा अच्छा होगा J&K, बाकी उससे कम तो फिर अपने सारी यूनियन टेरेटरी हैं ही। हाँ, और लिटरेसी रेट क्या है इंडिया के अंदर, 73%, बंदे कितने हैं, मेल कितने हैं, 80.9% लिटरेट हैं, और 64.6 जो है फीमेल लिटरेट हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हर चीज़ के अंदर यहाँ पे मेल बायस आपको दिखेगा, ठीक है। अब केरला रिटेन वो हमेशा वो 94% लिटरेसी रेट को बैठा हुआ है, उसके बाद लक्षद्वीप आता है, याद रखना आप, ये केरला है उसके बाद लक्षद्वीप है। बिहार के अंदर सबसे कम लिटरेसी रेट है 61.8%, ठीक है। और केरला के अंदर बोथ मेल लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा है और फीमेल लिटरेसी दोनों सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। बिहार में भी वो फिर वही मेल भी कम है और फीमेल भी लोवेस्ट ही हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक MCQ यहाँ ये बन सकता है कि इस बार जो हमने जो लिटरेट बढ़ाए हैं कुछ पॉइंट लगना था कहाँ पे, कुछ कुछ गलत हो गया ये, ठीक है, चेक करना पड़ेगा मुझे। ये देखना है कि जितने भी लिटरेट हमारे पास में ये थे, इसमें आई थिंक कहीं पॉइंट था वो मैंने मिस कर दिया है, कि जितने भी लिटरेट हमने ऐड किए हैं
इस 10 साल के अंदर उसमें जो फीमेल हैं वो ज़्यादा ऐड हुई हैं, मतलब हमने फीमेल्स को ज़्यादा लिटरेट किया है कंपेयर टू द मेल्स, ठीक है। तो एक ये एमसीक्यू, लास्ट 10 साल के अंदर हमने एक ये थोड़ा सा अच्छा काम किया है। नाउ दूसरा सवाल ये बनता है कि सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेट कौन है, हम लिटरेट बुलाएंगे किसको? तो डेफिनेशन में पूछ सकता है कौन कौन कैसे कैसे हैं। ए पर्सन एज 7 एंड अबव, पहले तो इंसान को 7 साल का या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, दोनों रीड भी कर पाए और राइट भी कर पाए, ठीक है, विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो एक एंड दो वो ही लिटरेट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि रीड कर ले एंड मतलब 5 साल की जो एज थी उनको ले जाता था, उन्होंने अब चेंज कर दिया है। 2011 में 7 एंड अबव ही कैन, ही शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज, उसी को लिटरेट ट्रीट किया जाएगा। फिर आगे पॉपुलेशन का पाओ ये अपना वो देख लो, रेशियो देख लो, उसमें रूरल 68.85 है, अर्बन 31.15 है, ठीक है। क्लास ऑफ टाउन कितना है उसमें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये 6 क्लास उन्होंने सेंसस के हिसाब से बना के रखी हुई हैं। क्लास 1 होते हैं कि जो इसमें उस टाउन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हों। क्लास 2 होते हैं 50,000 से 99,000, ये 999। क्लास 3 होते हैं 20,000 to 49,999। क्लास 4 में होते हैं 10,000 to 19, ये वाला, ठीक है। और 5 में होंगे ये 5,000 से लेके 9,999, और क्लास 6 होता है less than 5,000, ठीक है। तो ये क्लास है, ये UPSC पूछने के चांस बहुत कम होंगे। फिर आ गया कुछ कॉन्सेप्ट सेंस इंडिया से, जो इसमें इंडियन बुक में नहीं है बट मैंने कहीं से लिख रखे थे पहले से, जो कौन से स्टेचुरी टाउन बोले जाते हैं। ऑल प्लेसेज विद म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी सो डिक्लेयर बाय द स्टेट लॉ और कॉल द स्टेचुरी टाउन, कि जो जिसमें म्यूनसिपालिटी होगी, कॉर्पोरेशन होगा, कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होंगी, वो सब स्टेचुरी टाउन को बोले उसमें उसके अंडर में आएंगे। सेंसस टाउन क्या होता है, ये डेफिनेशन UPSC पूछ सकती है, जिसको स्टैचुरल डिफाइन नहीं, नोटिफाइड नहीं किया गया, दैट मीन्स कि उसको स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्टैचू या कोई नोटिफिकेशन निकाला नहीं है, लेकिन उसने अर्बन कैरेक्टरिस्टिक अटेन कर लिए हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा हो गई है उस टाउन की, ठीक है, और उसी पॉपुलेशन में से उसको जो अपनी डेंसिटी निकालेंगे तो उस पर किलोमीटर, जो स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 400 लोग रहने चाहिए, ठीक है। तो 400 per m² एंड 5,000 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन ये होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है, एटलीस्ट 75% 75% से ज़्यादा लोग, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन पे, मतलब जितने भी काम करने वाले लोग हैं ना, उनमें से 75% जो लोग होंगे वो एग्रीकल्चर के बाहर काम करें, क्योंकि एग्रीकल्चर अंदर काम करें तो वो विलेज हो गया, ठीक है, तो विलेज इकोनॉमी टाइप हो जाता है। तो 75% लोग कहाँ होने चाहिए, जो एग्रीकल्चर से बाहर काम कर रहे हों, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन के अंदर हो, ठीक है, कि जो खेती के अलावा कुछ और कर रहे हों, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन याद रखना सेंसस की, 5,000 75% एंड 400% per m² वाला, ठीक है। अब आता है अपना अर्बन, अर्बन के अंदर ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से एरिया होते हैं, स्टेट टाउन हो गया, सेंसस टाउन हो गया, एंड आउटग्रोथ हो गई। एक अर्बन एग्लोमरेशन आपको बार बार टर्म याद आती मिलती होगी, उसका मतलब ये होता है कि ये सिटी हो गई, इसके पास छोटे छोटे गाँव होते हैं, वो मिल गए उसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है उसको अर्बन एग्लोमरेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ टाउन्स को डिवाइड, मतलब ग्रुप इसमें सेंसस में वो किया गया है, ग्रुप किया गया, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्लास 1 टाउन पता ही आपको, मिलियन प्लस टाउन एक और होती है। क्लास 1 में क्या था, 1 लाख से ज़्यादा लोग वो जो उसमें रहते हैं, मिलियन प्लस में क्या होगा, 10 लाख से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो इनको मिलियन प्लस सिटीज़ बोलते हैं। थर्ड आ गया मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटी यूजुअली तो ये बोला जाता है कि 40 लाख से ज़्यादा हों, लेकिन उसने अपने 74th काउंसिल अमेंडमेंट में ये किया गया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन डाली गई थी एक, ठीक है, तो उसमें मेट्रो सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसे ना वो कुछ बनता है उनका वो था रिलेशन था, लेकिन 74th अपने जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया गया कि कोई भी एरिया जिसमें 10 लाख लोग साथ रह रहे हों, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट में दो डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, और उनके अंदर 2 म्यूनसिपालिटी या पंचायत वो कंसिस्ट कर रहे हो, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल दिया जाएगा और गवर्नर उसको नोटिफाई करेगा। मेगा सिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हो, ठीक है, उसमें इंडिया में कितनी हैं, ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना आइलैंड्स, इसमें मेंशन नहीं, इसमें अपनी इंडिया बुक के अंदर है नहीं, और ख़ास उसमें अपना NCERT के अंदर भी कुछ खास दे के रखा हुआ नहीं है, तो मैं उसे कवर कर लेते हैं, आप लोगों को फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हमें कवर करना है इसमें, 10 डिग्री, सेडल पीक, बैरन आइलैंड, इंदिरा पॉइंट है, नीचे आप कर दूंगा मैं। एक काम करते हैं, पहले आगे चलते हैं, ये मैप रहा, तो ये पार्ट जो है वो तो है अपना अंडमान निकोबार, अंडमान नीचे वाला पार्ट है निकोबार, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है, कोको आइलैंड होता है, कोको आइलैंड किसके साथ में, इसके अंडर में आता है, उसमें म्यांमार के अंडर में आता है, यहाँ पे कोको चैनल है, ठीक है। फिर अपना ये स्टार्ट हो गया, ये इधर ये आ गया अपना नॉर्थ अंडमान,
ये मिडल अंडमान एंड ये साउथ अंडमान, ठीक है। तो नॉर्थ, मिडल एंड साउथ, ठीक है। ये किस में आते हैं? ग्रेटर अंडमान में आते हैं। और ये आ गया आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। तो नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान हो गया। अब यहाँ से आगे नारकुंडम आइलैंड, एक चीज़ ये क्या है, वो है अपना जो ये वोल्केनो था, लेकिन अभी क्या है, सोया हुआ पड़ा है, क्या बोलते हैं जो भी है, साइलेंट वोल्केनो या जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इसमें कुछ होना नहीं है अभी। फिर आगे बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड यहाँ सेकंड में आएगा, नारकुंडम बैरन, ये क्या है, अभी भी अभी इसमें आई थिंक लास्ट 7 दिन के अंदर ही दोबारा से इसके अंदर वो जो लावा था वो बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, तो याद रखना ये नारकुंडम एंड ये बैरन आइलैंड। एक यहाँ पे इनविजिबल बैंक भी है, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी पानी थोड़ा सा भी थोड़ा ही नीचे है, कभी कभी बाहर आ जाए कभी ऊपर चला जाता है। तो ये सीक्वेंस है ऐसे, ऊपर अगर ऊपर से आए तो कोको, नारकुंडम, बैरन एंडी, ये हो गया। फिर अपना नॉर्थ इसमें अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ में ग्रेटर अंडमान है, लिटिल अंडमान यहाँ पे आ गया। ये जो पार्ट आपको लिख रहा होगा रिचीज आर्चिपेलागो, इसको क्या बोलते हैं, ये हैवलॉक है। यहाँ पे चार पांच ये जो पार्ट है ना, इस नील आइलैंड है, दो तीन और हैं, जीप जीप से नाम है, वो किसी हर बंदों के नाम पे रखे गए हैं, इंग्लिश वो थे, एक्सप्लोरर्स थे या जो भी थे वहाँ पे, इसको रिची आर्चिपेलागो बोलते हैं। तो ये यहाँ पे है एकदम बीच में, ठीक है। फिर आपको ये जो पार्ट है ग्रेटर अंडमान और जो लिटिल अंडमान के जो बीच में जो ये पार्ट दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे पानी जाने की जगह है, इसको डंकन पैसेज बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक रटलैंड आइलैंड भी है जो उसमें मिसिंग है, ठीक है। फिर आपको लिटिल अंडमान आ गया, लिटिल अंडमान के अंदर ही डुगोंग क्रीक है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो अपने डुगोंग डुगोंग जो है सीकाऊ, वो यहीं मिलती है, ठीक है। तो ये अंडमान हो गया, अपनी निकोबार नीचे, इनके बीच वाला जो पार्ट है उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल ये हो गया, अब ये जो कार निकोबार पहले आता है, ठीक है, फिर लिटिल निकोबार आएगा एंड देन ग्रेटर निकोबार। ऊपर से आया तो ग्रेटर अंडमान, लिटिल अंडमान, नीचे से आया तो ग्रेटर निकोबार, लिटिल निकोबार एंड देन कार निकोबार। तो ये सीक्वेंस ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर इसमें कुछ ये अजीब से काकाना, कमोरटा, ये चार पांच नान कोवरी आइलैंड, ठीक है, ये फेमस यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हैं, ठीक है। लिटिल अंडमान यहाँ पे आ गया और ग्रेटर निकोबार यहाँ पे आ गया। फिर लास्ट में सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इस पार्ट का, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इधर ये नीचे नीचे, ठीक है। ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब कि अगर इंडिया की जो हम जो पूछें कि भाई साउथ में सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा रिवो है अपना एरिया है, तो उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। लेकिन अगर पूछें कि मेनलैंड, मतलब मेनलैंड मतलब हमारी जो ये नीचे वाला जो पेंशुलर पार्ट है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार, तो इस मेनलैंड में कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा कन्याकुमारी वाला, केप कॉमरिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, अब चलते हैं पीछे वापस, ठीक है। तो मैंने ये हाँ सैडल पीक जो है, सैडल बताना भूल गया, ये हाईएस्ट पीक है अंडमान के अंदर, और ये इसमें नॉर्थ अंडमान में मिलती है, ठीक है। बैरन बता दिया, रिची बता दिया। ऐसी जो कैपिटल है वो पता ही आपको, पोर्ट ब्लेयर है। निकोबार आइलैंड कैपिटल को कार निकोबार बोलते हैं। ये एक एमसीक्यू यहाँ बनता है कि ओनली ट्राई सर्विस जियोग्राफिकल जो कमांड होती है इंडियन आर्मी को यहाँ मिलती है। इसका मतलब ये होता है ट्राई सर्विस का कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे इशू क्या है कि जो जो अपनी आर्मी है वो अपना अलग से कमांड करती है, एयरफोर्स अलग से कमांड करती है, और नेवी वाले यहाँ पे सी में अपने अलग से कमांड करते हैं। लेकिन अंडमान निकोबार में क्या किया है कि तीनों के बंदे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो एक ही जगह बैठते हैं, और उनके ऊपर एक बंदा जो ऐसे रोटेशन से आता है कि पहले आर्मी वाला कमांड करेगा, कमांड मींस कि जो उनका लीडर होता है, जो जो उनका मेन बॉस होता है, ठीक है, तो वो कमांड करेगा, फिर एयरफोर्स वाला, फिर नेवी वाला, चलता रहता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में रोटेशन के अंदर, तो वो जो पहले ओनली ट्राई सर्विस तीनों जहाँ बैठी हैं एक साथ उसके अंदर में आती हैं, एक साथ काम करती हैं, वो इसमें अंडमान निकोबार में मिलती हैं, ठीक है। फिर इसमें एक स्पेशलिटी और है कि ओनली नॉन पैलियोलिथिक पीपल, मतलब जो अपने ये स्टोन एज वाले पीपल हैं, वो सेंटिनलीज, ठीक है, सेंटिनल आइलैंड था उस पर रहते थे, उसको सेंटिनल बुलाया जाता है, वो हैव नो कॉन्टैक्ट विद एनी अदर पीपल, वो यहाँ मिलते हैं अंडमान आइलैंड के ऊपर, ठीक है। निकोबारीज पीपल जो होते हैं, ये अंदर शंपन पीपल होते हैं, निकोबार आइलैंड के अंदर मिलते हैं। तो निकोबारीज जो होता है वो मॉन खमेर लैंग्वेज बोलते हैं, और ये दोनों अंडमानी से अनरिलेटेड है, मतलब कि ये दोनों से अलग हैं दिखने में, वो म्यांमारीज से अपना ज़्यादा रिलेशन रखते हैं, मतलब वो उनकी तरह दिखते हैं, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ आपको इसका मतलब, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। स्टेट एनिमल ऑफ जो अंडमान है ना, वो है डुगोंग है, इसको सीकाऊ बोलते हैं, ठीक है। ये लिटिल अंडमान बताया दिया मैंने आपको। फिर यहाँ वाइल्ड बोर मिलता है, सॉल्ट वाटर क्रकडाइल मिलता है, छोटा सा मैप दिख रहा होगा आपको, ये सॉल्ट वाटर क्रकडाइल कहाँ कहाँ मिलते हैं मैंने मैप लगा दिया यहाँ पे, आपको दिखेंगे यहाँ से इस एरिया, ये तो ये सॉल्ट वाटर क्रकडाइल का रीजन है। अगर आपको ये कुछ एमसीक्यू आता तो देख लेना इसमें। यहाँ पे 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 9 नेशनल पार्क है, 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है। एक ये उसमें मेंशन किया हुआ था इंडिया बुक के अंदर, थोड़ा बहुत अजीब सा चीज़ है ये, अगर हम मैप बनाएं कि ये अंडमान हो गया, ठीक है, फिर ये नॉर्थ उसमें वो आ गया, और यहाँ पे ये अपना लिटिल निकोबार एंड ग्रेटर निकोबार हो गया, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो नॉर्थ निकोबार आइलैंड है, जिसके अंदर ये कार निकोबार और बाटीमला आता है, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट,
इसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना वो नहीं मिलता, मतलब माइनस है वो, ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे इसमें, वाइल्ड सच फॉरेस्ट फॉर्म द डोमिनेंट वेजिटेशन सेंट्रल, जो बाकी वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट है प्लस में, ठीक है। ग्रासलैंड अकर ओनली इन निकोबार्स, लेकिन यहाँ जो निकोबार में ग्रासलैंड पॉजिटिव है हर जगह। वाइल्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट आर कॉमन इन अंडमांस, यहाँ ऊपर वाले में क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ग्रासलैंड केवल निकोबार में है, एवरग्रीन इस नकार निकोबार में नहीं मिलता, और डेसिडुअस ऊपर वाले मिलते हैं, और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट भी निकोबार में निगेटिव है, ठीक है। अभी याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट उसने लिखा था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, अगर यूपीएससी की को होगा कि भैया कुछ टफ सवाल बनाते हैं तो बन सकता है यहाँ से। फिर आगे पीपल, पीपल ऑन द अंडमान निकोबार, अंडमान के अंदर जो लोग रहते हैं उनके जो सारे होते हैं उनको चार ये पांच टाइप हैं, ग्रेटर अंडमानी, जरावा, ओंगे, सेंडलेज एंड जंगल, ठीक है। इन्हीं को ये नेग्रोटोट वो हैं ब्रीड से हैं, जो रेस बोलते हैं जो भी है। निकोबार जो है वो मंगोलॉयड रेस से हैं, ठीक है। मंगोलॉयड मीन्स की जो इनके जो फीचर्स होते हैं वो जैसे चाइनीज टाइप होते हैं वैसे हैं, ठीक है। निकोबारीज उनमें एक वो टाइप है, दूसरा शॉम्पेन। तो शॉम्पेन कहाँ मिलता है, ग्रेटर निकोबार के अंदर मिलता है। ये दोनों कैसे दिखते हैं, मैं उसकी तरह म्यांमारीज की तरह दिखते हैं, ठीक है। ग्रेटर अंडमान आ गया, ये ग्रेटर अंडमान को मिलते हैं। जरावा आ गया, ऊपर चल के आओ ना आप ऐसे, ग्रेटर देन सॉरी इसमें नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ एंड देन लिटिल अंडमान, है ना। तो ये ग्रेटर अंडमान में ये तीनों मिल गए, ग्रेटर अंडमान में। जरावा कहाँ मिलेगा, साउथ एंड मिडिल के अंदर ये यहाँ मिलेंगे जरावा। ओंगे कहाँ मिलता है, ओंगे नीचे वाले मिलता है ये लिटिल अंडमान के अंदर, ठीक है। सेंटिनेलीज एक छोटा सा आइलैंड था यहाँ पे, सेंटिनेलीज वो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के, लेकिन ये क्या करते हैं किसी से मिलना ही नहीं चाहते, दे रेसिस्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो चाहते नहीं कोई उनसे मिले सेंटिनेलीज, लेकिन बहुत कम लोग रह गए उनसे ना। एंड दे आर दी अमंग द लास्ट पीपल टू रिमेन वर्चुअली अनटच्ड एंड अनकॉन्टैक्टेड बाय द मॉडर्न सिविलाइजेशन, दैट मीन्स कि उनका मॉडर्न सिविलाइजेशन कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं है। पिछले लिखा था ना उसमें साइड के अंदर कि ये द लास्ट नोवन पैलियोलिथिक पीपल, ठीक है। एक और ट्राइब मिलती थी यहाँ पे जांगिल, जो डिसअपियर हो चुकी है थैंक्स टू अपने इंग्लिश कॉलोनलिस्ट वगैरह के हेल्प से। अब हेल्प बोलेंगे कुछ और बोलेंगे। ये आ गया अपना मैप दोबारा से आ गया, ये निकोबार थोड़ा सा प्यार से दिखा दिया इसको अच्छे से, ये कार निकोबार है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बट्टीमलाव आइलैंड है, तो इन्हें बताया था मैंने आपको इनके आइलैंड के अंदर क्या नहीं मिलता, एवरग्रीन जो अपना ये है फॉरेस्ट मिलता ही नहीं है, इसमें पूरे में ग्रासलैंड मिलते हैं, यहाँ डेस्टिवस नहीं मिलते, ऊपर वाले में डेस्टिवस मिलते हैं, एवरग्रीन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ये नानकोवरी आइलैंड होगा यहाँ पे, ये नानकोवरी का मोटा ये, ठीक है। फिर ये लिटिल निकोबार है और ये ग्रेटर निकोबार है, ग्रेटर निकोबार के अंदर शॉम्पेन मिलते हैं, और नीचे नीचे क्या है, इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ खास था नहीं, हाँ लक्कादीव मिनिकॉय आ गया, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ऊपर से हम चलते हुए आएंगे तो ऐसे आएगा वो इधर कैसे बताऊँ आपको, ये ऐसे लक्षद्वीप ऊपर है और नीचे क्या है मिनिकॉय, और यहाँ पे क्या है नहीं थोड़ा सा मालदीव आ गया। तो ये जो पार्ट है यहाँ से जो वो निकलती है जो अपनी ये कौन सी किधर गई, ये रही, ठीक है। तो ये 9 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, और लेटीट्यूड हो गया, और 8 डिग्री वाला आ गया यहाँ से, ये 8 डिग्री किसके बीच में है, ये लक्षद्वीप मिनिकॉय है और ये क्या है मालदीव, ठीक है। तो इनके बीच वाले को बोलते हैं 8 डिग्री, और जो उधर क्या था अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री, ठीक है। और 11 डिग्री है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे अमीनियन कन्नाकोर के बीच में आ जाएगा, ये अमीनियन कन्नाकोर, ये भी लक्षद्वीप के ऊपर वाले पार्ट के अंदर पार्ट हैं दोनों, तो उनमें 11 डिग्री यहाँ से निकल रही होती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, 8 डिग्री यहाँ से आए मालदीव आ गए, मालदीव के बाद में 8 डिग्री आ गए, फिर अपना लक्षद्वीप आइलैंड आ गया पूरा का पूरा ना, पूरा सब मिला के। फिर लक्षद्वीप का जो लोएस्ट पार्ट होता है उसको मिनिकॉय बोलते हैं, ये मिनिकॉय यहाँ पे, ठीक है, मैप में लगाना भूल गया मैं, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर आएगा अपना ये अमीनी, फिर कन्नाकोर, ये अमीनी और फिर कन्नानोर, ये चेक कर लेना, ऊपर नीचे भी हो सकता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन मैं तो इस आई मीन एमसीक्यू के हिसाब से इतना ही काफ़ी होता है कि अपना 11 डिग्री अमीनी कन्नाकोर के बीच में है, थोड़ा और नीचे आया तो 10 डिग्री इधर अंडमान निकोबार के बीच में आ गया, 9 आ गया अपना किसके बीच में, मन्ना उसमें मिनिकॉय एंड लक्का के बीच में, 8 डिग्री अपना मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है। एंड ये कुछ आइलैंड के नाम मुझे बार बार याद आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था तो इसको बना रहा था स्लाइड के, श्री हरिकोटा स्प्लिट आइलैंड है ये, अपना क्या है पेंसुलर एरिया आ गया, ठीक है। ये यहाँ से निकल के ये अपना वो आ गया, क्या बोलते हैं इसको, श्रीलंका। तो यहाँ पे जो अपना ये जो है ऐसे तो ऐसे तो केरला है यहाँ पे, और ये अपना इधर ये तमिलनाडु है, तो इधर आ गया अपना ये पुलिकट लेक आ गई, तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा आ गया, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो ये बांग्लादेश इधर है, तो ये बांग्लादेश के थोड़ा सा पास्ट में यहाँ पार्ट में न्यूमूर आइलैंड मिलता है, ये कभी डिसअपीयर हो चुका है, कभी आता है कभी जाता है। मजुली आइलैंड, मजुली आइलैंड कहाँ मिलता है, इधर आसाम आ गया, ठीक है। आसाम ऐसे होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो ब्रह्मपुत्र ऊपर से आती है उसमें और दो रिवर और हैं, उसे नाम याद करने पड़ेंगे मुझे, एक्चुअली याद नहीं, सुवानश्री है शायद, एक और कोई है, उन तीनों के बीच के अंदर ये मजुली आइलैंड बैठा है, लार्ज ये लार्जेस्ट वो है अपना रिवर एंड आइलैंड है,
ठीक है। और ये भी डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया, यहाँ पे वैष्णो वाइट वो जो ट्राइब है वो बैठती है, ठीक है। इस ट्राइब का नाम क्या है आई कॉन्ट रिमेंबर एक्चुअली, मुनरो, मुनरो आइलैंड जो है अगर आप देखेंगे अष्टमुडी लेक, अगर हम ऐसे थोड़ा और बड़ा बनाएं ऐसे, तो ये केरला ऐसे, ठीक है। तो ये अष्टमुडी लेक यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ वेम्बनाड लेक आ जाती है। तो जो अष्टमुडी लेक है उस लेक के अंदर ऐसे वो मिलती है आके, कलडा रिवर मिलती है, ठीक है। वो कलडा रिवर जब मिल रही होती है ना, वहाँ पे एक आइलैंड बन रखा है मुनरो आइलैंड, ठीक है। और इस और जो ये अष्टमुडी लेक है उसका नाम क्या मतलब, आठ कौन है, आठ कॉर्नर है उसके ऊपर। कई बोलते हैं कि ये पाम लीफ की तरफ दिखती है, ठीक है, कुछ और बोल रहे होते हैं, कुछ बोलते हैं ऑक्टोपस की तरफ दिख रही होती है, क्योंकि इसमें भी एट है, पाम लीफ में भी आठ वो होते हैं कॉर्नर होते हैं, ठीक है। फिर है काचातीवू, काचातीवू यहाँ पे है, ठीक है। पाम्बन आइलैंड कहाँ पे है, ऊपर से पार्ट ऐसे थोड़ा सा निकल के आ रहा होता है जहाँ पे रामेश्वरम आइलैंड है जिसके अंदर पाम्बन ब्रिज बना हुआ है, तो ये पाम्बन आइलैंड उसको बोलते हैं। तो ये कुछ मेरे दिमाग में थे, मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और ये हो गया है सारा, अब जो पहला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसमें कुछ खास था नहीं, केवल रिवीजन करवाने की कोशिश की है मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट, और कुछ उसमें कुछ मैंने कुछ जो मुझे याद नहीं था कुछ ऊपर मिस कर दिया हो या कुछ मिस प्रनाउंस कर दिया हो या कुछ गलत बोल दिया, प्लीज़ उसको कमेंट्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ डू शेयर अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के अंदर, बिकॉज अभी 11 वीडियो और हैं टोटल इंडिया ग्रुप के, एंड काफ़ी उसके अंदर वो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।